क्योंकि हम सबके स्लीप साइकिल की तो लग गई है बहुत अच्छी खासी। तो मैं सबको वो जोक बता दूं जो मैंने बताया तुमको? हाय गाइस, इट्स शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। जी हाँ, सोचा था 2 बजे सो जाऊंगी बट मैं सो नहीं पाई। ठीक है, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी माय नाइट रूटीन लॉकडाउन एडिशन। दिस इज द लेजिट नाइट रूटीन ऑफ माइंड। जिस दिन मुझे कोई फिल्म नहीं करना पड़ता है, कोई शूट नहीं रहता है मेरा, कोई स्केड्यूल नहीं रहता है, दिस इज़ वॉट आई डू गाइस। क्योंकि हम सबके स्लीप साइकिल की तो लग गई है बहुत अच्छी खासी। मेरी तो बहुत अच्छी खासी लग चुकी है। 8 घंटा सो लेती हूँ मैं दिन में। सो एनी वे, आई एंडेड अप फिल्मिंग द एंटायर नाइट स्केड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल राइट नाउ। सो आई रियली होप यू विल एंजॉय वॉचिंग दिस कॉन्टेंट ऑफ माइंड। इट्स अ वेरी फन कॉन्टेंट, सो लेट्स गो। द डे आई फिल्म दिस वीडियो आई विटनेस्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट फ्रॉम माई बालकनी। सो आई हैड टू रिकॉर्ड इट एंड वी वर वॉटरिंग प्लांट्स। हमारे बालकनी में जितने भी प्लांट्स हैं, येस, माई सिस्टर वॉज एक्चुअली वॉटरिंग इट एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग हर एंड आई विटनेस्ड स्काई टर्न पिंक एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सनसेट। Okay, dinner time. I've always been a very early dinner kind of a person. I've been following intermittent diet plan for the past 3 to 4 months and this is what I had that day. ये सारा का सारा खाना माँ ने बनाया था, तो मैंने खाया सलाद, थोड़ा बरबटी की सब्जी एंड देन परवल की सब्जी, उसके साथ एक मिक्सड रोटी। दिस इज मेड विद बाजरा, मक्का, जवार एंड गेहूँ। हमारे घर में खाना 90% का टाइम हेल्दी ही बनता है और मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ओके, खाना खाने के 1 घंटे बाद आई डिड माय वर्कआउट। देर इज़ नो फिक्स टाइम फॉर माय वर्कआउट रूटीन। अगर मुझे दोपहर में टाइम मिलता तो मैं तब कर लेती हूँ। टुडे वाज़ द लेग डे। मैं हमेशा वर्कआउट क्लोथ्स पहन के ही वर्कआउट करना पसंद करती हूँ। इट जस्ट मोटिवेट्स मी टू वर्कआउट, इट जस्ट सेट्स द मूड एंड द वाइब फॉर द वर्कआउट, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। एंड मैं पहले बहुत झिझक रही थी वाइल फिल्मिंग माई वर्कआउट रूटीन बिकॉज आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी। आई नेवर रियली सेट दैट अलाउड on my channel, but it is true. Anyway, you can see what I'm doing. So I started off by doing warm-up. उसके लिए मैंने किया jumping jacks 40 repetition. This is gonna just slowly and gradually increase the heart rate and prepare our body for the workout routine and the set which we are gonna do. So for the set today, I started off by doing the squats. इसके मैंने 30 repetitions किए. Whatever workout that I'm doing, it's gonna focus on making our legs stronger and then toning our legs also. Then I followed up with lunges. उसके मैंने 30 reps किए, एक leg से 15 and दूसरे leg से 15. Then side kicks and then single leg kick. अगेन गुड फॉर योर ग्लूट। उसके लिए मैंने किया एक लेग से 20 और दूसरे लेग से 20, सो 40 रेप्स। एंड देन वॉकिंग स्क्वाट्स, इसके मैंने 3 राउंड किए। आपको एक राउंड ऐसे काउंट करना है कि यू स्टार्ट ऑफ विथ योर ओरिजिनल पोजिशन एंड देन यू वॉक साइडवेज इन द स्क्वाट पोजिशन एंड देन यू टर्न ओवर बाई डूइंग द जम्प एंड देन अगेन यू डू द वॉकिंग स्क्वाट एंड देन जम्प एंड टर्न ओवर। एंड ये हो गया आपका पहला राउंड कम्प्लीट एंड यू हैव टू रिपीट दिस राउंड 3 times। उसके बाद आई डिड नी पुशअप। दिस इज़ समथिंग विच हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ वाइल। दिस इज़ गुड फॉर योर कोर एंड ऑल्सो फॉर योर आर्म्स। द फॉर्म माइट नॉट बी राइट, आई फील, आई मीन आई एम जस्ट लाइक मेकिंग इट राइट बाई प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, यू नो, इट्स स्टिल, आई एम स्टिल इन द लर्निंग पीरियड एंड प्रोसेस। एंड लास्टली आई जस्ट कूल डाउन माई बॉडी बाई डूइंग द स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग डाउन प्रोसेस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक कूल डाउन योर बॉडी सो दैट यू वोंट हैव एनी मसल क्रैम्प और एनी मसल इंजरी। दिस वॉज द लेग डे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो लाइक टू डू HIIT वर्कआउट, दैट इज फुल बॉडी वर्कआउट। सम डेज आई वुड फोकस जस्ट ऑन द अपर बॉडी, दैट इज माई आर्म्स एंड माई बैक। एंड आफ्टर माई वर्कआउट माई शर्ट वॉज ऑफ, आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एंड दिस इज द आफ्टर ग्लो ऑफ द वर्कआउट। लुक एट माई स्किन, आई फील स्ट्रॉन्गर, फिटर एंड गुड अबाउट माई सेल्फ। I don't have a flat stomach, guys. You can see that. I wish to have that, obviously, but my focus was always on being healthy, get fitter, and get better. सो आफ्टर डूइंग माई वर्कआउट आई वेंट स्ट्रेट इन टू द शावर, क्योंकि बहुत गंदा गंदा चिप चिप और बैक्टीरिया बैक्टीरिया टाइप का लग रहा था मुझे पूरे बॉडी में। सो क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। येस, आई लाइक टू टेक लाइक 2 showers अ डे समटाइम्स, क्योंकि गर्मी तो है ही, ऊपर से वर्कआउट भी कर लिया तो पसीना तो निकालना ही है बॉडी से। एंड देन आई फॉलो द स्किन केयर रूटीन। दिस वॉज द डे आई शेव माई फेस। यू ऑल नो दैट आई लाइक टू शेव माई फेस बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आई डू गेट लॉट ऑफ फेशियल हेयर। देर इज अ रूटीन ऑन हाउ आई लाइक टू शेव माई फेस, देर इज अपडेटेड रूटीन, यू कैन गो क्लिक द आई बटन एंड वॉच इट।
And after shaving my face, I just washed the razor of mine using some soap water. Uske baad I brushed my teeth. Very, very important. If you don't want any night cravings, this is a tip for you. Always brush your teeth in the night, and also it kills the germs and bacteria from your mouth. After that, I slipped into my night suit set. This is one of my favorite pair which I'm wearing today. After that, I completed my night skincare routine. I'm applying niacinamide serum. This has helped my skin a lot. I've raved about this product a lot on my channel. This just repairs the damaged skin. Acne marks or acne scars ko bhi kam karne mein help karta hai. And then I applied some lip balm followed by a hint of lipstick for a tint. क्योंकि मुझे आउटरो करना था इस वीडियो का. फॉलोड अप बाय माय मॉइस्चराइजर. और ये वाला मॉइस्चराइजर खत्म होने वाला था, वो निकल ही नहीं रहा था. इट वाज लाइक 2020 गोल्स वर्सेस मी, ट्रस्ट मी. जस्ट वेंट ऑन फॉर लाइक अ वाइल एंड देन जो भी बचा कुचा मॉइस्चराइजर था वो मैंने अपने हाथ में लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया. दिस इज हेल्प्स इन लॉकिंग अप ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सीरम. उसके बाद आई केम बैक टू माई सोफा और मैंने अपने गीले टाल को अच्छे से अरेंज करके सुखा दिया अपने सोफे पे ही. एंड जो भी गंदे कपड़े थे वो मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए. एंड देन आई वेंट टू माई किचन, स्पेसिफिकली टू माई फ्रिज. वहाँ पे मैंने ठंडी हवा खाई फ्रिज की, उसको कुछ देर के लिए खोरा, कुछ आइटम्स निकाल के चेक किए, पीनट बटर ब्रेड. एंड देन आई रियलाइज्ड, वेट, आई मेड फ्रोयो इन द मॉर्निंग, आई एम गोना हैव दैट. सो दिस इज वाटरमेलन फ्रोजन योगर्ट जो कि मैंने फ्रीजर से निकाला है अभी. इसको मैंने घर पर ही बनाया था एंड आई एम गोना हैव लाइक 6 बिग स्पून ऑफ इट. दिस इज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड हेल्दी बाय द वे. ओके, इट्स नॉट अ क्राइम टू हैव लेट नाइट स्नैक. मुझे स्वीट क्रेव कर रहा था, स्वीट की क्रेविंग हो रही थी. सो दिस इज़ वॉट आई मेड. इट्स अ हेल्दी स्नैक बाय द वे एंड इट्स क्वारंटीन. ओके, डोंट जज मी. ओके, तो कहाँ थी मैं? दैट फ्रोजन योगर्ट दैट आई मेड इन द मॉर्निंग, इट्स सेटिस्फाइड माई स्वीट क्रेविंग्स. इट इज़ ऑल्सो यमी, हेल्दी एंड डिलिशियस. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी रेसिपी मिल जाएगी. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम हेल्दी लेट नाइट स्नैक आइडियाज कमिंग ऑन माई चैनल. नाउ दैट योगर्ट वॉज फॉर माई स्टमक फुल, इट्स सेटिस्फाइड. एंड नाउ आई नीड टू कम्प्लीट माई बॉडी केयर रूटीन जो कि रह गया था स्किन केयर रूटीन के बाद. एंड दैट इज आई नीड टू अप्लाई सम योगर्ट ऑल ओवर माई बॉडी. Yes, this yogurt is not frozen yogurt. You cannot really eat this. It is not edible, but it smells delicious. I so want to eat this. I wish I could just eat this. Okay, let's just kill the suspense. So this is the yogurt right here. This is Mama Earth Upton yogurt with turmeric and saffron for deep moisturization. This is paraben free, silicone free, dermatologically tested product, and this is suitable for all skin type. So this is the yogurt that I was talking about. This is a body yogurt by Mama Earth. Doesn't this remind you of those flavored योगर्ट्स जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, स्पेशली मैंगो योगर्ट. आई लव मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी योगर्ट. सो पैकेजिंग इसकी काफी क्यूट है. एंड व्हेन यू विल ओपन अप दिस बॉडी योगर्ट, the first thing that will hit you is the smell of this yogurt. It's so relaxing and soothing. It just takes me back to my childhood days. I just love to smell this. And the consistency of this body yogurt is just like any other mango yogurt you will find in the market. It's so similar to it. So can you guys see? I have used this a lot. This is what I've been using for my body this summer. This is very different from body butters and body lotion. This is extremely lightweight. Aapki body bahut easily isko absorb kar leti hai. It is non-greasy, chip-chip or oily. Bas aapki body ko hydrate rakhne mein aur moisturize rakhne mein, moisture ko lock karne mein, this is gonna help. And that is what I really like about it. And also the smell does last on your body for up to 2 to 3 hours. Usse zyada nahi. I just can't stop smelling it. I so want to eat this. I have to like consistently remind myself that Shalini, don't eat this yogurt. Yes, hashtag don't eat this yogurt, but apply this yogurt all over your body, Shalini. Yeah. So yes, you guessed it right. I'm working with Mama Earth in this video. And every time I work with Mama Earth, I always get this question asked in the comment section, Shalini, Mama Earth again. I really like this brand, guys, because this is a PETA certified brand. This is a cruelty-free brand. And also this is a plastic positive brand. They recycle more plastic than they produce, which is amazing. I truly want to support that, and I do support that, guys. And you can also easily find this brand on Amazon, Nykaa and mamaearth.in. I do have a coupon code that is Shalini2020. You can use this coupon code and you will get 20% off at mamaearth.in. So let me just keep this beside my table. Yahi pe main rakhti hu apne zarurat ka saman. And let's just go to the other side of the room because we need to finish some editing work. एक वीडियो मुझे पोस्ट करना है. आई थिंक ऑलरेडी कर चुकी होंगी जब तक आप इस वीडियो को देखोगे. दैट इज द ईद मेकअप लुक. सो लेट्स गो.
Before going to the workstation, I closed this room with this adjustable drape, this curtain, and then I went to my workstation and started cleaning the workstation a bit. This is the only area that I like to clean every single day because I work here, so I need to have everything sorted out ताकि मुझे जो चीज़ जब चाहिए तब मिल जाए. And then I switched on the AC, and this is the reason we closed the room with the help of that, you know, curtain, and then I started working. मैं अक्सर रात को ही वॉइस ओवर देती हूँ जब बहुत शांति रहती है, और वॉइस ओवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना बहुत ही पुराना फ़ोन. दिस इज़ सैमसंग ए सीरीज़ आई गेस. या इट्स अ वेरी ओल्ड फ़ोन. आई ओनली यूज़ दिस फ़ोन टू रिकॉर्ड द वॉइस फॉर द वॉइस ओवर्स. एंड जब भी मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ मैं ए सी ऑफ कर देती हूँ क्योंकि नॉइज़ आ जाता है उसमें, एंड आई डोंट वॉन्ट कि आपको कुछ भी सुनाई ना दे वॉइस ओवर के टाइम पर. And after finishing off the voiceover part of the video, I just took my laptop to my bed and I started re-watching Veer Zara. This was the day I was watching this movie again. I love cinema in general, and this is such a sweet romantic movie, you know. Guys, this is my favorite scene from the movie. Movie देखते देखते कुछ दो बज चुके थे, so I decided to call my friend Divya that night. She is my best friend. She lives in California. वहाँ पे वो काम करती हैं. And the conversation went something like this. Wait, let me focus your face. कर लो तुम चेंज फिल्टर. रिकॉर्ड हो रहा है वो भी. Hi. Hi Divya. Hi, from which country? US. Yes. तो अभी वहाँ पे कितना बज रहा है? 2:00. 2 बज रहा है ना? और वहाँ पे 17 तारीख और यहाँ पे 18 तारीख है. तो मैं सबको वो जोक बता दूँ जो मैंने बताया तुमको? बिल्कुल. मैं क्यों देख रही हूँ? तो बेसिकली दिव्या तो फ्यूचर में बात कर रही हूँ मुझसे और मैं पास्ट में उससे. कम ऑन दिव्या. चलो बाय. सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा. सुबह तो हो ही चुका है, सोचे हूँ कॉफ़ी पी के ही सो जाऊँ अब तो सुबह सुबह. नाउ रियल क्वेश्चन इज कि मुझे ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. एनीवे, यू नो व्हाट टू डू नाउ. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट इन दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया और आप ऐसे कॉन्टेंट और देखना चाहते हो मेरे चैनल से. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट. आई विल श्योरली डू डे रूटीन ऑल्सो अगर दिन में मैं उठ गई तो. बाय.